नमस्कार, एनडी टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और ये है बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी को लेकर कल 2 साल की सजा एक कोर्ट ने जो है उनको सुनाई और आज उनकी संसद की सदस्यता जो है वो चली गई है। तो बड़ी दिक्कतें राहुल गांधी के सामने पेश आ गई हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से इसको लेकर जोरदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो अमृतपाल से जुड़ी हुई है, जिसको कई दिनों तक पंजाब में जो है पुलिस वो तलाशती रही। उसकी तलाश के लिए कई सारी तस्वीरें भी सामने आई और अब खबर ये है कि उसका जो गनर है उसने कई सारे खुलासे अमृतपाल को लेकर किए हैं कि किस तरह से उसने जो है अपनी एक फोर्स जो है वो पूरी बना रखी थी। और जो तीसरी बड़ी खबर है आज की वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में लोगों की सुविधा के लिए एक तरह से जो कानून लाया गया राइट टू हेल्थ बिल, उसकी बात करेंगे। उसको लेकर जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो आखिर क्यों नाराज हैं, तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से आप आगे इस बुलेटिन में जो है वो देखेंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ पर राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी को लेकर आज दिन भर जो है वो तमाम प्रतिक्रियाएं आती रहीं। राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब राहुल गांधी का भविष्य किस तरह से होगा सियासत में, उसको लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी को एक कोर्ट ने 2 साल की सजा जो है वो उनके एक बयान को लेकर सुनाई थी और उस मामले के बाद अब संसद की सदस्यता जो है वो राहुल गांधी की चली गई है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है और मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में उन्हें सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी और अब यहां पर जो है उनकी संसद की सदस्यता जो है वो चली गई है। इसको लेकर हालांकि सजा सुनाने वाली अदालत ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी थी और साथ ही ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय भी देते हुए सजा को निलंबित भी किया था, लेकिन आर्टिकल 102(1)(e) के तहत ये फैसला लेते हुए उनकी सदस्यता जो है उसको खत्म किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया और राहुल गांधी, आपको बताएं, केरल के वायनाड से सांसद थे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर विपक्षी दल जहां एक तरफ एक साथ आकर सरकार पर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार की निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष खुद हमारे साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सर, क्या आपको अंदाजा था कि इतनी तेजी से सरकार मूव करेगी? ये देखिए, उन्हों प्री प्लान्ड है ना, जो चीज़ प्री प्लान्ड होती है उसको हर ढंग से, हर स्पीड से वो अपने टारगेट पहुंचने के लिए काम करते हैं और वही काम उन्होंने करके दिखाया और इतनी जल्दी इतनी तेजी से किसी और का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। जो आप लोगों ने दबाव बनाया, क्या इसका भी असर है सभी पॉलिटिकल पार्टी? 100% जो तृणमूल कांग्रेस भी अब आपके साथ है, आम आदमी पार्टी भी साथ है। देखिए, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब यह सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो आपने देखा किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इसको लेकर आ रही हैं। हालांकि अब राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस आगे क्या करती है, किस तरह से जो कानूनी उपाय उनके पास हैं उनका इस्तेमाल आगे करती है, ये देखना यहाँ पर अहम होगा। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। बाबा, राहुल गांधी की सदस्यता तो यहाँ पर चली गई है लेकिन उसको लेकर कांग्रेस कुछ भी आरोप यहाँ पर लगाए, लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि अब राहुल गांधी की सियासत जो है, सियासी भविष्य उनका वो क्या हो सकता है? सवाल है। और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले
ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे भले ही उसके लिए उनको जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो निश्चित रूप से एक पॉलिटिशियन के लिए ये बहुत इससे आइडियल सिचुएशन है। राहुल गांधी की सदस्यता ही गई है, अब उनके पास एक मौका है, वो लीगली इसको चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास अंतिम कोर्ट तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का एक ऑप्शन है, वहाँ तक जरूर कांग्रेस पार्टी जाएगी और जो भी राहत मिल सकती है उनको अब दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये मामला जितना भी लीगली है उससे ज़्यादा पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को ये लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस पार्टी को एक फायदा तो इतना जरूर हुआ है कि वो विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस के साथ आने से कतराते थे, साथ खड़े नहीं दिखना चाहते थे, खासकर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो खुलकर जो है आज कांग्रेस के साथ दिखाई दिए हैं। खासकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन, तीन लोगों ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है और एक तरह से राहुल गांधी का समर्थन किया है। तो ये एक अच्छी बात कांग्रेस के पक्ष में भी, जिसको लेकर के कांग्रेस आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकती है और सरकार पे दबाव बना सकती है। शुक्रिया बाबा आपका इस मामले को समझाने के लिए। कांग्रेस के सामने जो अब हालात बन गए हैं उसमें देखना होगा कि किस तरह से आगे की सियासत यहां पर होती है। हालांकि बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तो जोरों शोरों से इसको लेकर हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं। ये है अमृतपाल को लेकर। अमृतपाल सिंह की चर्चा अपने पिछले कई दिनों से लगातार आप सुन रहे हैं, पुलिस जो है इसको तलाश रही है और अब इसको लेकर खबर यह है कि जो अमृतपाल का गनर है तेजिंदर सिंह, उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और राज जो हैं वो खुले हैं कि किस तरह से अमृतपाल ने पूरा जो अपना नेटवर्क है वो तैयार किया था, किस तरह से वो तैयारियां जो है वो कर रहा था। यहाँ पर आपको बताएं कि तेजिंदर सिंह से जो मोबाइल से उसकी तस्वीरें मिली हैं उससे यहाँ पर ये बात साफ हुई है कि कैसी तैयारियां जो है अमृतपाल ने कर रखी थी। यहाँ पर बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों का जत्था जो है दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको बताएं कि तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा गोली चलाता दिख रहा है और उसने माना है कि वो लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। अमृतपाल ने बकायदा एक फोर्स बना रखी थी, आनंदपुर खालसा फोर्स इसका नाम था और जल्लूपुर खेड़ा में उसने एक काम चलाओ शूटिंग रेंज भी बना रखी थी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इस वीडियो में अमृतपाल का खास बॉडीगार्ड गैर कानूनी ऑटोमेटिक बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें अमृतपाल की फौज में भर्ती नए शख्स को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अमृतपाल ने अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में बकायदा एक शूटिंग रेंज बना रखी थी। अमृतपाल ने अपनी फौज का नाम रखा था AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। हर बंदूक पर AKF लिखा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के घर से 10 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद किए हैं जिन पर AKF लिखा हुआ है। ये सब वीडियो और खुलासे अमृतपाल के खास बॉडीगार्ड तेजिंदर पाल गिल उर्फ गोरखा बाबा के हवाले से सामने आए हैं। पंजाब पुलिस ने गोरखा बाबा को पंजाब के खन्ना से गिरफ्तार किया है। एक होर जड़ा है बंदा अरेस्ट किया है खन्ना पुलिस ने, जिदा नाम तेजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम है और ओदी पुछगिछ तो और ओदे मोबाइल जड़े ओदियां डिटेल्स तो काफी तत्थ एहजे सामने आए हैं जिथों यह पता लगता है कि ये लोग एंटी नैशनल एक्टिविटीज दे विच इन्वॉल्व सीगे। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया। बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने अमृतपाल के पोस्टर भी चिपका दिए। भारत से नेपाल जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल हरियाणा से यूपी और यूपी से नेपाल भाग सकता है। अमृतपाल आखिरी बार 20 तारीख को कुरुक्षेत्र के बस अड्डे के पास एक CCTV में कैद हुआ है, जहां वो CCTV से बचने के लिए एक काला छाता लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको जरा सा भी शक बचा हो कि अमृतपाल कुछ देश विरोधी नहीं कर रहा था, तो तस्वीरें जो आपने देखी कि कैसे वो अपनी प्राइवेट मिलिट्री बना करके उनको ट्रेनिंग दे रहा था, अवैध हथियार आ रहे थे, उसे खुद भी भ्रम हो गया था कि वो नया भिंडरांवाला है और इसी भ्रम को वो पंजाब में भी पाल रहा था।
लेकिन देखिए कैसे वो अब भिंडरावाला के उलट अपनी जान बचाकर और गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदलकर घूम रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। आखिर यह बिल क्या है और क्या अधिकार देता है लोगों को और क्यों इसका विरोध जो है वो हो रहा है, ये आपको बताते हैं। इस बिल के मुताबिक खुद को स्वस्थ रहने के लिए जानकारी लेने का अधिकार लोगों को मिलता है, सभी सार्वजनिक अस्पतालों में डॉक्टर को मुफ्त दिखाने का अधिकार मिलता है और मुफ्त दवाएं, उपचार और एम्बुलेंस लेने का भी अधिकार इस बिल के जरिए मिलता है। इस बिल के अंतर्गत निजी अस्पताल भी जो है वो आएंगे और यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बिल का विरोध किया है। आईएमए का कहना है कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, ये राइट टू डेथ बिल है। सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में योजनाएं हैं जो हैं वो चलाए, निजी अस्पतालों पर जबरन ये बिल लागू क्यों किया जा रहा है, ये आईएमए का सवाल है। और साथ ही ये भी कि इस तरह निजी अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, उनका ये कहना है। निजी डॉक्टर इस बिल के विरोध में सड़कों पर हैं। सुनीता वर्मा वृद्ध पिता को लेकर एसएमएस अस्पताल के चक्कर काट रही है। ना तो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, ना ही ओपीडी में। अब सरकारी जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं और ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती कराया, वहाँ इनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो हम यहाँ न्यूरो यहाँ दिखाने के लिए लाए। वहाँ से डिस्चार्ज की कॉपी नहीं दी जा रही हमें और यहाँ ये इलाज के लिए इनको ओपीडी में ले नहीं रहे। क्या पेशेंट को ऐसे खड़े रखेंगे क्या? इनकी चाहे कागज के पर्चे के लिए पेशेंट मर जाए तो इन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सारा भार सरकारी अस्पतालों पे आ गया है और अब बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर भी निजी डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पिछले 4 दिन से राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालें हड़ताल पे हैं। निजी अस्पताल और डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिरदी देवी हार्ट की मरीज है, डॉक्टर की हड़ताल के चलते एसएमएस में दिखाने के लिए आई है, लेकिन हड़ताल के चलते ओपीडी का टाइम कम होने के कारण इलाज नहीं करवा पाई। अब ये बंद हो गया हॉस्पिटल ही, हम तो पूछे 2 घंटा खुला है, इसमें दिक्कत यही है। अब रात के दुखी थी, गोली दवाई खत्म हो गई इसकी, अब दिखाने लाए तो कहते अब इमरजेंसी में ले जाओ, और तो क्या हो, अब हम तो परेशान हो गए आते जाते इसमें तो। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को स्वास्थ्य के अधिकार का बिल पेश किया गया। इस बिल में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बिल पारित करने से पहले निजी डॉक्टर्स के साथ विस्तृत में चर्चा की गई थी। सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनको इनके कुछ करेक्शन करे थे, मांगों को कर दिए। उसके बाद में अचानक जी क्या हुआ कि तमाम लोग अपने सड़कों का नहीं आना चाहते। लेकिन अब डॉक्टर्स और सरकार के बीच खींचतान में परेशानी मरीजों को हो रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।